दोस्तों मार्च अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन तीन अलग अलग सुपरस्टार्स ने इस साल WWE चैंपियनशिप जीती है। ड्रू मैकइंटायर, द मीज और बॉबी लेजली अब तक कीमती टाइटल को हासिल कर चुके हैं। लेजली को टाइटल जीते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन WWE यूनिवर्स के कुछ लोग अभी से ही भविष्य देखने लगे हैं। बहुत सारे फैंस सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन से सुपरस्टार्स होंगे जो मेन रोस्टर पर आकर पहला वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे। ये सोचना भी सही होगा कि कंपनी के कुछ दिग्गज भी इस साल गोल्ड हासिल करने की उम्मीद करेंगे। एक नजर ऐसे ही पांच सुपरस्टार्स पर जो इस साल WWE चैंपियनशिप जीत सकते हैं। पांचवे नंबर पर है पूर्व WWE चैंपियन सेमस। 2009 में WWE मेन रोस्टर डेब्यू के बाद से सेमस ने सब कुछ किया है। केल्टिक वॉरियर ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, 2012 रॉयल रंबल, 2010 किंग ऑफ द रिंग और 2015 मनी इन द बैंक लैडर मैच जीता है। इसके अलावा वह तीन बार WWE चैंपियन भी रह चुके। सेमस ने 2015 में आखिर बार वर्ल्ड टाइटल हासिल किया था और 22 दिन बाद ही रोमन रेंस के सामने उसे गंवा दिया था। सेमस को फरवरी में ड्रू मैकइंटायर के WWE चैंपियनशिप टाइटल के लिए एलिमिनेशन चेंबर में लड़ने का मौका मिला था, लेकिन वह टाइटल हासिल नहीं कर सके। ड्रू मैकइंटायर के हाथ से भी टाइटल मीज ने छीन लिया था और फिलहाल वह लेजली के पास है। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब भी ड्रू मैकइंटायर अपना टाइटल वापस हासिल करेंगे तभी सेमस को उनके साथ में रखा जाएगा और उन्हें टाइटल जीतने के मौके दिए जाएंगे। चौथे नंबर पर है पूर्व WWE यूनिवर्सल चैंपियन ब्रोक लेसनर। रेसलमेनिया 36 में मैकइंटायर के खिलाफ अपना WWE चैंपियनशिप गंवाने के बाद से ही ब्रोक लेसनर WWE में नजर नहीं आए हैं। दरअसल कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया और महामारी के दौर में कंपनी ने उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। अब लाइव फैंस की वापसी हो रही है और कंपनी आर्थिक संकट से उबर चुकी है, तो जल्द ही ब्रोक लेसनर की वापसी होगी और वो वापस आते ही सबसे पहले WWE चैंपियनशिप के लिए जोर लगाएंगे। तीसरे नंबर पर है पूर्व WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन। जनवरी 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमन ने शिंस के नाकामुरा को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी। ये उनका पहला सिंगल्स टाइटल था। इसके बाद उन्होंने रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप हासिल की थी। समरस्लैम में द फिंड के खिलाफ उन्होंने अपना टाइटल गंवाया था। 2021 में WWE वापसी के बाद से लगातार ब्रॉन स्ट्रोमन WWE चैंपियनशिप के लिए मौके की मांग कर रहे हैं और कंपनी को भी पता है कि उन्होंने कभी WWE चैंपियनशिप नहीं जीती है। दूसरे नंबर पर है WWE हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग। 2016 में WWE में वापसी करने के बाद से गोल्डबर्ग ने दो अलग अलग मौकों पर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। अपने बेहतरीन कैरियर में गोल्डबर्ग कभी WWE चैंपियनशिप नहीं जीत सके। रॉयल रंबल 2021 में गोल्डबर्ग ने उस समय WWE चैंपियन रहे ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज किया था, लेकिन मैकइंटायर ने दिग्गज रेसलर को हराया था। गोल्डबर्ग को 2023 तक हर साल दो मैच लड़ने हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले उनके पास WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के पांच मौके हैं। पहले नंबर पर है कैरियन क्रॉस। कैरियन क्रॉस ने WWE NXT में केवल 6 मैच लड़ने के बाद ही NXT चैंपियनशिप हासिल कर ली थी। हालांकि मैच के दौरान उन्हें कंधे में चोट लगी और उसके अगले ही एपिसोड में उन्हें टाइटल छोड़ना पड़ा था। लगातार रिपोर्ट्स आ रही है कि कैरियन क्रॉस अधिक समय तक NXT में नहीं रहने वाले हैं और कंपनी के बारे में अच्छे से समझ लेने के तुरंत बाद ही उन्हें मेन रोस्टर में लाया जाएगा। यदि उन्हें बड़ा पुश दिया गया तो मेन रोस्टर में अपने पहले ही साल में वह WWE चैंपियनशिप जीत सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती